दोस्तों, स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में RRB पैरामेडिकल फार्मासिस्ट का पेपर हुआ है 2019 में, उसकी आंसर क्या आ गई है, तो मैंने आपके लिए उसके ला एकदम शॉर्ट पेपर बनाया है जिसमें अपन एक एक क्वेश्चन का पूरी बारीकी से डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर, जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं आखिर वो क्या होते हैं? तो व्हाट इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? तो देखिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों में दो या दो से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के जो परमाणु होते हैं उनके साथ में एक चक्रीय संरचना होती है। ये देखिए, दो या दो से अधिक परमाणु हैं उनकी विभिन्न चक्रीय संरचना होती है, इसको अपन बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक जो यौगिक बोलते हैं। एग्जाम्पल अपन अगर देखें तो पाइरिडाइन, पाइरोल, फुरान, थियोफिन, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं अपन, व्हाट इज द ऑप्शन? फर्स्ट थिंग, द राइट आंसर इज साइक्लिक कंपाउंड। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? साइक्लिक कंपाउंड। फर्स्ट ऑप्शन है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो व्हाट इज द एलिसाइक्लिक कंपाउंड? तो देखिए, जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो कौन से होते हैं? ये एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जो एलिफेटिक व चक्रीय दोनों टाइप के होते हैं। एक या एक से अधिक जो कार्बन रिंग इसके अंदर होती है, एक या एक से अधिक कार्बन रिंग इसके अंदर होती है। नेक्स्ट ऑप्शन, ओपन चेन। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है ओपन चेन रिएक्शन। ये देखिए, ओपन चेन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, जिन कार्बनिक यौगिकों में खुली श्रृंखला पाई जाती है उन्हें एलिफेटिक यौगिक या एलिसाइक्लिक यौगिक कहा जाता है। थर्ड, साइक्लिक। साइक्लिक में क्या होता है, इसके जो कंपाउंड है यौगिक है उसमें परमाणुओं की एक या एक से अधिक श्रृंखला एक अंगूठी बनाने के रूप में जुड़ी होती है। एंड द लास्ट ऑप्शन, नॉन साइक्लिक, इसमें क्या होता है, इसको अपन एलिफेटिक भी बोलते हैं, जैसे साइक्लिक एल्केलेंस। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्नान आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ, लिग्नान है वो किसका पार्ट होता है? ठीक है, पहली बात तो लिग्नान होता क्या है? देखिए, लिग्नान जो पौधों के अंदर पाए जाने वाले पॉलीफेनोल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? मोस्टली जो फाइबर युक्त पौधा है, मतलब ऐसे पौधे जिसमें फाइबर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उसमें पाए जाते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? एक तो बेहतर हार्मोन संतुलन, मतलब जो हार्मोन है उनके अंदर जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा बनाता है। उसके अलावा जो अपना हार्ट है उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें बहुत अच्छा सुधार करता है। ऑप्शन देखते हैं अपन, पोमिग्रेनेट, लाइकोपीन, जैसे अनार है लाइकोपीन, जैसे टमाटर के अंदर जो पाया जाता है, सोयाबीन, एंड द लास्ट इज फ्लैक्स सीड, जिसको अपन बोल सकते हैं अलसी। इनके अंदर मोस्टली ओमेगा 3 पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? ऑप्शन डी, फ्लैक्स सीड। देखिए, जो अलसी के बीज है जिसको अपन बोलते हैं फ्लैक्स सीड, अलसी, ये अपने हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, जिसके अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है। बेनिफिट क्या करता है? अपने हार्ट में कोलेस्ट्रॉल है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसको अपन गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसके लिए हेल्प करता है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड एज, मतलब जो एक हल्के बीम के जो रंगीन घटक हैं उसके बैंड को क्या कहा जाता है? तो द राइट आंसर इज स्पेक्ट्रम। राइट आंसर इज स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 4, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका बिलोंग्स टू क्लास, जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? तो ये एक तरह क्या है, प्रोटोजोआ होता है। अब देखिए, एंटामोइबा हिस्टोलिटिका जो होता है ये अमीबासिस, एक डिजीज होती है, इसके लिए जिम्मेदार परजीवी होता है। ये मोस्टली कहाँ पे होता है? जो अपने विकासशील देश होते हैं, विकासशील देश लाइक जैसे अपन बोल सकते हैं भारत, उस भारत में है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा कंडीशन है। इसमें क्या होता है, अब लक्षण क्या क्या होते हैं इसमें? एक तो लूज मोशन होता है, पेट में दर्द होता है और वजन में
कमी होती है। इसके अलावा होता किससे ये संक्रमित जो भोजन होता है, संक्रमित भोजन होता है या फिर अपने हाथ साफ़ नहीं होते या साफ़ पानी नहीं होता, उसकी वजह से सारा सारा सिस्टम होता है। ये देखिए इसका लाइफ साइकिल, जो मैच्योर सिस्टम है इनको अपन जिस्टर्ड कर लेते हैं, उसके बाद में इसका जो ये लाइफ साइकिल चलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद करने में आपके लिए ईजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए लेडी स्टैंड ऑन द रोड फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन। एक जो महिला है वो एक रोड पर पूर्व दिशा में खड़ी है। सी टर्न्स 48 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो वामावर्त है, जिसको अपन क्लॉकवाइज डिग्री है, उसमें 48 डिग्री वो घूम गई, और उसके बाद में वो 72 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, जिसको अपन बोल सकते हैं दक्षिणावर्त, उसमें घूम गई। तो अब वो कौन सी दिशा में खड़ी है, मतलब वो कौन से डायरेक्शन में खड़ी है? तो द राइट आंसर इसका कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए इधर पूर्व की दिशा में खड़ी है, ठीक है, क्लॉकवाइज, फिर वापिस एंटी क्लॉकवाइज। तो आप अगर इसको निकालोगे तो राइट आंसर इसका कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोसाइट आर प्रेजेंट इन। जो एस्ट्रोसाइट होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो द राइट आंसर इसका कौन सा है? द राइट आंसर इज ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, राइट आंसर इसका होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। अब देखिए एस्ट्रोसाइट होती क्या चीज़ है, पहली बात तो है कि देखिए एस्ट्रोसाइट अपने जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर सबसे अधिक व ज़्यादा मतलब डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल सेल्स होते हैं। अपना जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? एक तो क्या करते हैं ये, मस्तिष्क में जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सेल्स पाए जाते हैं, ये क्या करती है, न्यूरोनल सिनेटस, न्यूरोनल सिनेटस के साथ जुड़ी होती हैं। उसके अलावा पेरेक्रिन व एंडोथेलिबल सेल्स, पेरेक्रिन और एंडो थेलिबल जो सेल्स होते हैं, उसके साथ में पैरासिन इंट्रेक्शन के माध्यम से ब्लड ब्रेन बैरियर, रक्त मस्तिष्क बाधक के रख रखाव में ये मदद करते हैं। तो मतलब अपने जो मेन ऑप्शन है ब्लड ब्रेन बैरियर, ऑप्शन डी इसका ये राइट आंसर है। इसके अलावा अपन देखो और भी ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन कौन कौन से हैं। ब्लड प्लेसेंटा बैरियर, ये देखिए अपना जो ब्लड प्लेसेंटा है उसके अंदर ही मतलब ये होता है। उसके अलावा अगर ऑप्शन देखें, सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैरियर, सेल मेम्ब्रेन, एंड द लास्ट इसका कौन सा है, ब्लड ब्रेन बैरियर। दिस इज ब्लड ब्रेन बैरियर। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, बुक मार्क दैट, ओके, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इंटू एन एडल्ट थ्रोट ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड। मतलब कि लावा होता है, उसका जो एक वयस्क लावा के अंदर जो परिवर्तन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? मेटामोरफोसिस। राइट आंसर मेटामोरफोसिस। व्हाट इज द मेटामोरफोसिस? इसमें क्या होता है कि एक कोई भी कीट होता है, मान लीजिए कोई मक्खी है, सपोज कीजिए बटरफ्लाई है, एक अपरिपक्व रूप से, मतलब जिसका ये एक अपरिपक्व रूप है, ये मान लीजिए वयस्क रूप में, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो चेंजमेंट है दो या दो से अधिक चरणों में होता है। देखिए सबसे पहले एग है, फिर कैटरपिलर बन गया, क्रिसलाइसिस बना, फिर एडल्ट इमर्जेस एडल्ट, मतलब फर्स्ट सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, मतलब दो चरण हो गए, दो या दो से अधिक चरण हो सकते हैं उसमें इसका निर्माण होता है। इसके जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है, अदर ऑप्शन है, वो भी देखते हैं। रिजर्व ओस्मोसिस, ये क्या चीज़ होती है? ये देखिए एक प्रक्रिया होती है रिजर्व ओस्मोसिस। इसमें क्या है, एक जो विलायक होता है उसको एक झिल्ली है उससे निकाल के गुजारते हैं, और मोस्टली आरओ, जो अपन फिल्टर पानी करते हैं, जो पानी फिल्टर करते हैं उसके अंदर ही मोस्टली यूज किया जाता है। क्या करती है, ये जो अवांछित अणु है या फिर जो बड़े कण हैं उनको पीने का जो पानी है उससे निकालने के लिए आंशिक रूप से एक पारगम्य झिल्ली का उपयोग किया जाता है। ये देखिए एक झिल्ली का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा ऑप्शन है इसका बडिंग। व्हाट इज द बडिंग? बडिंग होता है एक अलैंगिक प्रजनन, बडिंग होता है एक
अलैंगिक प्रजनन एंड सेक्सुअल। इसमें क्या होता है, एक जो नया व्यक्ति है तो वो मूल जीव के सामान्य संरचनात्मक बिंदु से विकसित होता है। देखिए फर्स्ट यहाँ से इसका विकास स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं अपन बडिंग। एंड द लास्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, मीनोपेज। मीनोपेज कंडीशन क्या होती है, मीनोपेज कंडीशन होती है, ये होती है मोस्टली, इसको अपन बोलते हैं रजोनिवृत्ति। मतलब जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब एक महिला के 45 की एज के बाद बंद हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं मीनोपेज कंडीशन। इसमें क्या होता है, महिला का जो अंडाशय है वो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद कर देता है। ठीक है, अब देखिए उससे क्या क्या दिक्कत होती है, उससे एक तो मतलब दिक्कत तो क्या, लेकिन ये मतलब एक चेंजमेंट होता है, और ये मोस्टली हर फीमेल में होता है। हेयर लॉस, बालों मतलब बाल झड़ना, इरेगुलर हार्ट बीट, उसकी जो हार्ट बीट होती है वो भी इरेगुलर हो जाती है, मतलब प्रॉपर नहीं होती। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, खाने पीने में मतलब प्रॉब्लम होती है, गैस बन जाती है, डाइजेशन सही नहीं होता, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन एंड यूरिनरी पेन, उसके अलावा जो अपने मूत्राशय है या यूरिन वहाँ पर भी पेन होता है, स्किन हॉट फ्लैश है, स्किन ड्राइनेस, या मतलब जैसे रात को पसीना आना, स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, ब्रेस्ट पेन मतलब ब्रेस्ट में मतलब हल्का हल्का दर्द होना, लॉस ऑफ लिबिडो, वेजाइनल ड्राइनेस, मेंस्ट्रुअल पीरियड दैट अकर्स लेस ऑफन एंड इन्वेंट्री स्टॉप। इसके अलावा जो वेजाइनल ड्राइन मतलब जो वेजाइन है वो भी थोड़ी सूख जाती है, ब्रिटल नेयर्स, जो नाखून होते हैं वो नाखून भी क्या है, ब्रिटल हो जाते हैं, मतलब तो जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, फटी थकावट होती है, डिजीनेस, हेडेक, सरदर्द होता है, डिप्रेशन, वेट गेन, मतलब बहुत सारी ऐसी दिक्कत होती हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनली यूज स्पाइस क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो कॉमनली यूज है, जो दालचीनी सॉरी जो लौंग होती है वो किससे मतलब प्राप्त की जाती है, क्लोव, वो प्राप्त की जाती है ऑप्शन सी फ्लावर बड। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मेसी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लावर बड मतलब कौन सा होता है, दैट द राइट आंसर इज क्लोव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मेजर वोलेटाइल कंपाउंड आर कंटेंट इन सिनोमन, मतलब जो दालचीनी होती है इसके अंदर कौन सा वोलेटाइल कंपोनेंट है वो प्रेजेंट होता है, तो द राइट आंसर इज एल्डिहाइड कंपाउंड। अब देखिए एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में एक जो कार्बन परमाणु है वो एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ डबल बॉन्ड, एक कार्बन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, या फिर एक हाइड्रोजन के साथ एकल बॉन्ड व एक अन्य परमाणु या परमाणुओं के समूह के साथ एक एकल बॉन्ड को साझा करता है। ठीक है, ये तो होता है एल्डिहाइड। इसके अलावा अगर ऑप्शन और भी देखे मैंने इसकी, एस्टर, अब जो एस्टर होता है वो क्या होता है, एस्टर होता है वो मतलब शराब या जो कार्बनिक या अकार्बनिक एसिड होता है उसका उत्पादन करने के लिए पानी के साथ इसकी प्रतिक्रिया करता है, दैट इज नेक्स्ट। फिनोलिक, फिनोलिक क्या होता है, ये छोटे अणुओं का समूह होता है जो संरचना में कम से कम एक फिनोलिक इकाई उसके अंदर मौजूद होती है, एक फिनोलिक इकाई इसके अंदर मौजूद होती है। एंड द लास्ट कीटोन, कीटोन में क्या होता है, ये फेनोलिक में अगर अपन एग्जाम्पल देखते हैं तो फेनोलिक एसिड, फ्लेवोनोइड्स, टैनिन, कुमारिन एंड द कीटोन। कीटोन में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कैप्सिड इज प्रेजेंट इन, कैप्सिड होता है वो किस में पाया जाता है, तो भाई कैप्सिड किस में, वायरस में पाया जाता है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए जो कैप्सिड होता है ये वायरस का क्या होता है, प्रोटीन, ये देखिए कैप्सिड वायरस का ये प्रोटीन शेल होता है, इसमें प्रोटीमर्स, प्रोटीमर्स नामक प्रोटीन के बने कई ओलिगो मेरिक स्ट्रक्चरल सब यूनिट पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है,
अपने जीनोम की रक्षा, उसका परिवहन, उसका वितरण करना। ठीक है, इसके अलावा जो वायरस, देखिए वायरस क्या होता है, वायरस एक छोटा संक्रामक एजेंट होता है जो केवल एक जीव के जीवित कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति बनाता है। जानवरों, पौधों से लेकर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, यहाँ तक जो बैक्टीरिया, सभी को ये संक्रमित कर सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, ए वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई सेलिंग ए CPU फॉर ₹6,785, ठीक, अपन एक CPU को 6,785 रुपये में बेचते हैं, ए मैन मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 15%, एक जो बंदा वो 15% प्रॉफिट कमाता है, एट वॉट प्राइस शुड बी सेल इट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अब अगर उसको 25% प्रॉफिट कमाना तो कितने बेचे, तो द राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, 7,375। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 3 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है, जो टाइप 3 के जो ड्रग मास्टर फाइल होता है वो मतलब किस टाइप की इंफॉर्मेशन देता है, द राइट आंसर इज पैकेजिंग मटेरियल। अब देखिए DMF, जो ड्रग मास्टर फाइल होती है, ये कि इस देखिए इसमें कितने टाइप होते हैं, अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में देखे हैं। तो जो टाइप फर्स्ट होती है उसमें क्या होता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग साइट, मतलब जैसे कोई साइट होती है, फैसिलिटीज़, क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड पर्सनल, ठीक है। टाइप सेकंड में ड्रग सब्सटेंस, ड्रग का सब्सटेंस क्या है, इंटरमीडिएट एंड मटेरियल यूज्ड इन द प्रिपरेशन और ड्रग प्रोडक्ट, और अपन कौन सा मटेरियल है वो काम में लेंगे। इसके अलावा टाइप थर्ड, जो अपना राइट आंसर है, पैकेजिंग मटेरियल। टाइप फोर्थ में एक्सीपिएंट, कलरेंट, फ्लेवर, एसेंस और मटेरियल यूज इन दियर प्रिपरेशन। इन द टाइप फाइव FDA एक्सेप्टेड रेफरेंस इंफॉर्मेशन। अब देखिए जो ये DMF ड्रग मास्टर जो फाइल होती है, ये FDA को प्रस्तुत की जाती है। इसका उपयोग पैकेजिंग में एक या एक से अधिक मानक दवाओं का भंडारण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, द CMC सेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन शुड बी बाउंड इन ए CMC, द राइट आंसर इज ए ग्रीन प्रेस बोर्ड बाइंडर। CMC क्या होता है, इट्स ए केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल्स, रसायन विज्ञान निर्माण व नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म, ठीक है, द राइट आंसर इसका बी एस्टर्स। एस्टर एल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रतिक्रिया से बनते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, एस्ट्रीफिकेशन, इट्स कॉल्ड एस्ट्रीफिकेशन। नेक्स्ट, कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो कन्वेक्टिंग मिक्सिंग है उसको अपन क्या बोलते हैं, द राइट आंसर इज मैक्रो मिक्सिंग। देखिए मैक्रो मिक्सिंग क्या होती है, इसको अपन लार्ज स्केल मिक्सिंग भी बोलते हैं, मतलब बहुत जो मोटे तौर पे पदार्थों के लिए इसको लागू किया जाता है। माइक्रो क्या होती है, ये संघटक कण मिश्रण बनाने के लिए इसको रीअरेंज करते हैं। डिफ्यूजिव मिक्सिंग क्या होती है, जो अपने कणों के प्राकृतिक संचालन द्वारा पदार्थों के परस्पर क्रिया से संबंधित या मिलाते हैं, उसको शामिल करते हैं। और शीयर मिक्सिंग क्या होती है, किसी पदार्थ की संरचना में दबाव के कारण उत्पन्न होने वाला खिंचाव। नेक्स्ट, एस्प्रिन शुड बी यूज्ड विथ क्वेश्चन इन, मतलब कि कौन सी बीमारी है, मतलब वहाँ पे एस्प्रिन को अपन थोड़ा ध्यान से उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, द राइट आंसर इज ए अस्थमा। अब देखिए ऑप्शन ए अस्थमा। एस्प्रिन क्या है, इट्स ए एसिटाइल सैलिसाइड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। जब अस्थमा में इसको यूज करते हैं अपन, तब इसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा अपन इसको जैसे फीवर में काम में लेते हैं, हेडेक में, ट्रेकिकार्डिया सब में काम में लेते हैं, क्यों। अब इसका अस्थमा में दिक्कत क्या होती है, एक डिजीज होती है नेजल पोलीपोसिस, नेजल पोलीपोसिस। इसके अलावा सांस में तकलीफ होती है, घबराहट होती है, खांसी आती है, अस्थमा का दौरा पड़ता है, वह एनाफिलेक्सिस, मतलब ये इसके अंदर डिजीज होते हो जाती है। और ये डिजीज़ क्या होती है, नेजल पोलीपोसिस, जो नाक है या साइनस के स्तर, वहाँ पे एक दर्द होता है थोड़ी, मतलब वहाँ पे
वृद्धि हो जाती है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, विलिंगनेस टू स्ट्राइव फॉर द गोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप इज, इसको क्या बोलते हैं, मतलब एक विशेष समूह के लक्ष्यों के लिए प्रयास करने की इच्छा, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं अपन मोराले। मतलब किसी विशेष समय में किसी व्यक्ति या समूह का आत्मविश्वास व अनुशासन, उसको कहा जाता है। उसके अलावा अगर अपन ऑप्शन देखें, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होता है, एप्रिशियल, ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एचपीएलसी व्हाइल सप्लाइंग मोबाइल फेज बाई मैकेनिकल पंप विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू स्मूथ आउट द पल्सेस। मतलब जो एचपीएलसी है उसमें जो मैकेनिकल पंप द्वारा या मोबाइल का चरण होता है उसकी आपूर्ति करते हैं, तो कौन से उपकरण को अपन उसमें काम में लेते हैं, तो उसके अंदर पर काम में लेते हैं डंपिंग, ऑप्शन डी। एचपीएलसी क्या होती है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मतलब ये उच्च दबाव में एक विलायक के रूप में नमूना मिश्रण या विश्लेषण को पंप करता है, या फिर इसका काम क्या है, एक मिश्रण में प्रत्येक घटक को अलग करना, उसको पहचानना और उसको निर्धारित करना। राइट आंसर इज डी, डंपिंग। व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट सीजियम, सीजियम का एलिमेंट क्या है, तो देखिए सीजियम का इसका जो राइट आंसर है सी। राइट आंसर इसका सी, सी एस। इसका परमाणु क्रमांक 55 होता है, सी होता है कैल्शियम, सी यू कॉपर, और सी एम क्या होता है, क्यूरियम, ये एक रेडियो एक्टिव तत्व भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंथ्रेन्स, ठीक है, एंथ्रेन, ग्लाइकोसाइडिन अलॉयस, ठीक है, द राइट आंसर इज डी, मॉडिफाइड बोन ट्रंक टेस्ट, ठीक है, द राइट आंसर इज डी, किलर किलानी टेस्ट। उसके अलावा जो लीगल टेस्ट है इसका यूज किया जाता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड में। इसका आप देख सकते हैं कि जो टेस्ट की जो क्या क्या इसमें टेस्ट होते हैं, डिजिटल इसका और इसका दोनों का टेस्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये था जो रेलवे का पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था उसका पहला पार्ट। मैं आपका इसका आपके लिए दूसरा जल्द पार्ट भी जल्दी बनाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको इसके अंदर और कौन कौन से, मतलब कुछ अगर क्वेश्चन में दिक्कत है या कुछ आपको ऐसे टॉपिक चाहिए जिसको आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट मिल सकता है या नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ओके, थैंक यू दोस्तों।